एंड वेरी वॉम वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट आयोनाइजेशन एंड थैरेपी। सो गाइज, ये जो टॉपिक है, दिस इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप 11th 12th क्लास में हैं तो भी, और अगर आप BSc कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और कौन से जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, मतलब किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। तो सबसे पहली बात, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं एक डेफिनेशन के तरीके से बोलूँ तो वो एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि हमारी लगती है टू रिमूव द लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम फ्रॉम एन एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू प्रोड्यूस अ कैटायन, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपके एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो भी सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको एटम में से निकालने के लिए जो हमारी एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में अगर, ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर एनर्जी इज़ रिलीज्ड, बट ज़्यादातर एब्जॉर्ब ही होती है, ठीक है। तो हम इसे किलो जूल पर मोल, इसकी ऐसे यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, इस पे ये नहीं, पर मोल, ठीक है। तो ये इसके SI यूनिट्स होते हैं। तो गाइस, अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, हमारा कैसे जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम पढ़ें तो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इट इज़ द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की जो पावर है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, विच आर मूविंग इन द ऑर्बिटल्स आर नोन एज द इज नोन एज द न्यूक्लियर चार्ज। नाउ इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, दैट मीन्स जो आपका न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो अपने पास टाइटली बाउंड रखेगा पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, ओके, देन व्हाट वुड हैपन, दैट मीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वुड इंक्रीज, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज व्हाट वुड हैपन, दैट इट वुड रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ओके, यानी कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट वुड इंक्रीज, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, आसपास ऑर्बिटल्स होते हैं उसके, ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड उसके, तो इन अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा, अगर इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस की पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से जो ये है वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो जो चीज़ अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखे उसको निकालना और मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो ये एक सीधा सा फंडा है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होंगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पहली चीज थी। अब हम दूसरी चीज जिस पर ये डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज साइज ऑफ द एटम। जो आपका एटम है, ठीक है, मैं आपका रिलेशन बताती हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि मान लीजिए हम डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो साइज़ है दैट वुड इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि शेल्स जो होते हैं वो ऐड ऑन होते रहते हैं, तो आपका साइज़ जो इंक्रीज़ होगा। नाउ मान लो कोई ऐसी चीज़ है कि जो छोटी है, ठीक है, एक ऐसा एटम है जो बड़ा है जिसपे शेल्स ज़्यादा है, जो बड़ा है, तो आपको अगर वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसका निकालना ज़्यादा ईजी होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसका वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बहुत पास है तो
इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इस पर ज़्यादा लगेगा, तो इससे निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू ये, जिसमें क्या है कि बहुत सारे शेल्स जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इससे बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका इफेक्ट जो है वो इस पर कम पड़ेगा। इफेक्ट अगर इस पर कम पड़ेगा तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू छोटे साइज में। तो इसीलिए हमने कहा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और वाइस वर्सा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमने दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, न्यूक्लियर चार्ज और साइज। ठीक है, अब जो तीसरा फैक्टर जो हमारा इस पर काम करता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज द अदर फैक्टर जिस पे आपका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट डिपेंड्स। ओके, तो क्या होता है जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ, ठीक है, एन एन इज द शेल नंबर, तो शेल नंबर आपका जो है वो इंक्रीज हुआ है, शेल नंबर आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, शेल नंबर इंक्रीज हुआ तो जितने शेल ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर जाते जाएंगे। ठीक है, दूर जाते जाएंगे तो हमें तो हमेशा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एंथैल्पी होती है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निकालनी होगी। तो इस केस में क्या होगा, जितने ही ज़्यादा शेल्स बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतनी ही कम एनर्जी लगेगी बिकॉज वो जो न्यूक्लियस से उसका जो बॉन्ड है दैट वुड बी वीक बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिस्टेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज साइज इंक्रीज होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ हुआ है तो ये साइज़ इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट वुड रिड्यूस, देयरफॉर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वुड आल्सो रिड्यूस। ओके, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वुड बी लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी वुड आल्सो रिड्यूस। तो ये मैंने सारे के सारे ना अच्छे से रिलेशंस लिख कर दिखाए हैं आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब थर्ड इफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम फोर्थ इफेक्ट पढ़ते हैं। फोर्थ इफेक्ट होता है हमारा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जितना ही ज़्यादा, अगर एक मान लीजिए एक न्यूक्लियस है बीच में और आसपास उसके क्या है, यहाँ पे शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके आसपास जो है रिवॉल्व कर रहे हैं मान लो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है इसके जो पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो ज़्यादा हैं तो दूर के इलेक्ट्रॉन के पास इसकी जो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम जाएगा। ठीक है, अगर पास के इलेक्ट्रॉन्स, पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये चार्ज जो है वो कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उस चार्ज को इन्होंने स्क्रीन कर लिया है या फिर शील्ड कर लिया है, दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग। तो उसको इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस पे जो चार्ज आने वाला है उसको शील्ड कर लिया है। ठीक है, यानी कि ये कम चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और उन्होंने इसका इफेक्ट जो है यहाँ तक पहुँचने से वो स्क्रीन कर लिया है, ढक लिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो अगर हम फॉर्मूले के बेस पे लिखते हैं तो जेड इफेक्टिव, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिपेंड्स अपॉन जेड, दैट इज जेड माइनस सिग्मा। ये एक स्लेटर्स रूल होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी, स्लेटर्स रूल कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है आपके बीएससी लेवल पे, मतलब 11th-12th में नहीं आता है लेकिन अगर हायर लेवल्स पे आप देखते हैं तो आ जाता है। तो उस केस में मैं आपको इसकी भी एक वीडियो बनाकर दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरा स्लेटर्स रूल आपको कैसे कैलकुलेट करता है वो बताऊंगी। अभी के लिए स्लेटर्स फॉर्मूला होता है, स्लेटर्स रूल होता है ये, ठीक है, जिसने स्लेटर जो साइंटिस्ट था उसने बताया था। तो ये हमारा जेड इफेक्टिव इज द न्यूक्लियर चार्ज, जेड is the atomic number, whereas this sigma is the shielding या screening constant, यानी कि z is the shielding और screening जो हमें बताता है that is z। ठीक है, तो अब जो है मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, हम shielding effect का जो होता है SPTF, सबसे ज़्यादा shielding effect जो होता है S show करता है हमेशा, ठीक है, फिर P, फिर D, फिर F। ठीक है, जो S होता है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अंदर की साइड होता है, ठीक है, ज़्यादा पेनिट्रेट होता है, तो S इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज हायर देन व्हेन वी कंपेयर इट विद द P, D और F ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनर शेल में होते हैं वो, उनका शील्डिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है S की। ठीक है, अगर उनकी शील्डिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है
तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी वुड रिड्यूस. ओके, तो अगर मेरे को इसको एक जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, तो मैं अगर उस तरीके से, सॉरी फॉर द कैमरा, अगर मैं उस फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखती हूँ, तो अगर हमारा सिग्मा वुड इंक्रीज, ओके, देन न्यूक्लियर चार्ज वुड रिड्यूस, न्यूक्लियर चार्ज वुड रिड्यूस, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वुड ऑल्सो रिड्यूस, एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी वुड ऑल्सो रिड्यूस. ओके, सो ईजीली हमारी जो है वो रिमूव हो जाएगी. तो अब हम अगले इफेक्ट पर बढ़ते हैं, दैट इज़ योर पेनिट्रेशन इफेक्ट. ठीक है, अब हम करेंगे अगला इफेक्ट अपना, दैट इज़ नोन एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट. फिफ्थ इफेक्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट. ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऑर्बिटल्स है, SPDF. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका है, S का है. तो S के अंदर अगर हम देखें तो S में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ज़्यादा लगेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका रिमूवल जो होगा यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द S इज़ द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू PD एंड F, कुछ कुछ इसके जैसा ही हो गया है वो. ठीक है, वो पेनिट्रेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि जो ये जो S जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अवर न्यूक्लियस, तो उसके पास होते हैं, तो उनको निकालना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. अब एक और फैक्टर आ जाता है इस पर, सिक्स्थ फैक्टर दैट इज़ योर हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स. इस केस में क्या होता है कि जो आपके हाफ और फुल फिल्ड होते हैं, S क्या होता है, S होता है या S2 होता है, P3 होता है, P6 होता है, ये हाफ है, फुल है. ठीक है, ऐसे ही D क्या होता है आपका, D5 होता है, D10 होता है, और F क्या होता है, F7 होता है, F14 होता है. ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इन पर जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज लार्ज, हमेशा बहुत ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका रीज़न ये होता है कि ये होते हैं स्टेबल. क्यों होते हैं स्टेबल, इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी जो होती है दैट इज़ नेगेटिव इन दिस केस, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी, उतनी ही ज़्यादा जो होता है वो आपका स्टेबल होता है कंपाउंड. ठीक है, तो दिस इज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो कंपाउंड होगा. तो इनकी जो होती है एक्सचेंज एनर्जीज, वो सब की जो होती है नेगेटिव होती है. ठीक है, और ये बहुत स्टेबल होते हैं. अगर ये स्टेबल होते हैं तो इनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. स्टेबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वुड ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिन पर आप पूरी की पूरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने वीडियो बना दिया है. सारी की सारी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसका एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने बना दिया है. तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, वो मैंने कर दिया है यहाँ पर, एंड मेरे बेस्ट पॉसिबल वे जितना ईजिली मैं करवा सकती थी उतना ईजिली मैंने करवाया. एंड गाइज, वीडियोज़ वुड बी क्वाइट रेगुलर राइट नाउ आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस वीडियो. ओके, सो हम कोशिश करेंगे काफ़ी हम रेगुलर है वीडियोस बनाने में. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो डाली है, एंड आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें. सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी नया नया चैनल है, सो वी नीड टू ग्रो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.